जो इतने रमजान मैंने गुजार दिए, जाया कर दिए, वो कैसे चेंज होने वाली है? सर वो एक आयत है नजम भाई, सूरह फुरकान की 30। मैं सबको पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि पहले मेरा रमजान में जब मैं कुरान पढ़ती थी तो वो ऐसा था कि उफ, इसने मेरे रात को सोने नहीं दिया। वो ये कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे अपनी उम्मत की। वो कहेंगे, ये कुरान की आयत मैं पढ़ी हूँ, सूरह फुरकान की आयत नंबर 30, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पकड़ा मगर छोड़ते हुए, यानी पढ़ा तो सही मगर अमल नहीं किया। तो पिछले सारे उफ। रमजान में इस आयत में रिलेट करूं, मैंने सिर्फ पढ़ा था, और जल्दी जल्दी कितनी बार पढ़ा तो सही लेकिन अमल ही नहीं किया था, क्योंकि मैं सिर्फ अरबी पढ़ती रह गई। मैंने ट्रांसलेशन में उसको समझा ही नहीं कि अल्लाह ताला मुझे कह क्या रहे हैं। तो ये शिकायत में मैं आ जाती तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाती, मैं अपने रसूल को क्या मुंह दिखाती? हम सब, ये मेरी एक रिपीट दुआ है करें जी कि हम लोग इस एक आयत में तो दफा, नहीं आ रहे जी। मैं एक सबके लिए दफा फिर उम्मीद पढ़ के करती सुनाओ। जी। दिस इज सूरह फुरकान आयत नंबर 30, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पकड़ा मगर छोड़ते हुए, यानी पढ़ा तो उफ। सही मगर अमल नहीं किया। अब आप अल्लाह सब अकबर। लोग जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें, क्या कहीं हम इस आयत में तो नहीं आ रहे? क्या इस रमजान भी हम वही गलती तो नहीं करने जा रहे कि सिर्फ सवाब के लिए हम पढ़ते जाएं और इनमें हम हमारी शिकायत लग जाए अल्लाह ताला को कि हमने बीइंग एन उम्मती, हमने कुरान को सिर्फ पढ़ा और उस पर अमल ही नहीं किया। तो ये मुझे इतना दुख आपको नजर पता आता है इसमें, इस आयत में। उफ है, आपको पता है कि जब मुझे मैंने फर्स्ट टाइम ये आयत विटनेस की थी और पढ़ी थी और समझी थी, तो जो सबसे बड़ा मुझे धचका लगा था वो ये था कि हम बचपन से बड़े हुए हैं ये सोचते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाएंगे, उफ कयामत वाले दिन एग्जैक्टली हमारी शफाअत करवाएंगे। इस आयत के बाद पता लगा कि वो किन लोगों की साइड लेंगे, जी, जो क्योंकि यहां अमल तो कर वो रहे होंगे। शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं उन लोगों की अल्लाह से कि इन्होंने तो कुरान को ही छोड़ दिया था। ये तो सिर्फ पढ़ते रह गए और ये सर्टिफिकेट लेके अगर बैठे हुए कि हम जन्नत में जा रहे हैं। अगर मैं पूरी लाइफ मुखालफत करता रहा अल्लाह के अहकामात की, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात आके मेरे रॉन्ग को सपोर्ट करेंगी, जी इस आयत से मेरी आंखें खुल गई कि मुझे इस जिंदगी में ही अल्लाह के रसूल इस जिंदगी में बचा रहे हैं अपने कुरान के जरिए, क्योंकि वो ये कुरान छोड़ के गए हैं मेरे लिए, आपके लिए। जी और 23 साल तक जब तक हयात थे तो लोगों को बचा रहे थे मुखालफत से। क्यों बचा रहे थे? ताकि उनको एंड में फिर यहां ना खड़े हुए हो। अल्लाहु अकबर। वरना वो कहते कि जो मर्जी करो मैं कयामत वाले दिन आके तुम्हें बचा लूंगा। हाँ जी हाँ जी, तो ये आयत ने आंखें खोल दी, जी, वो ये तो आंखें उनका खोल देती शिकायत है है और कि ये अल्लाह के अमल रसूल करने शिकायत कर का। रहे हैं। ये ट्रेलर है, ये कयामत का ट्रेलर है, उफ, जैसे कितना वो मूवीज का ट्रेलर नहीं आता जी, रिलीज होने से पहले, ये उफ वही क्या है। बात कर दी आपने। तो मैंने, मुझे इस आयत ने सोने नहीं दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस वक्त मुझे अकल दे दी कि सनम वो वाली हरकतें अब नहीं करना, अब अमल वाली हो तुम, अब तुम्हें अमल करना है, मुझे अपने आप को वो फिर डिफरेंट आपसे करना है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आयत रिपीट कर दे। ये लग ठीक गई है है जी, सबके दिल को, ये सब ये इसके तैयार है वाकई रमजान के लिए। जी सर। तो मैं आप इनकी सबको जिंदगी इसलिए, बदलने वाली है रमजान से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो जो सुन रहे हैं और जो जो आगे तक पहुंचाएंगे ये बात रसालत में, जैसे आज मैं और नजम भाई फैला रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात पर जरूर अमल करें। ये जो अल्लाह ने हमें हमारे रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हमें यहाँ तक पहुंचाई है, व्हिच इज अर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक इसका रेफरेंस भी बता दीजिए दोबारा प्लीज। लाइट भी आ गई है जी। यस।
एवरीवन, अब मैं दोबारा से आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। हमने ये देखना है कहीं ये हमसे, हम तो नहीं इस आयत में खड़े होंगे कयामत वाले दिन। वो ये है सूरह अल्लाह फुरकान 25 आयत नंबर 30, एंड इट सेज, और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम, हम उन्हीं की कौम है, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पकड़ा मगर छोड़ते हुए, यानी पढ़ा तो सही मगर अमल नहीं किया। तो हम भी उफ सारी टाइम पढ़ते तो रहे लेकिन अमल नहीं किया। सर, सबसे पहले मैं सबसे ना एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। शुरू से कहते हैं हमें ईमान है इसके ऊपर, कुरान पर ईमान है। ईमान, ये कैसा ईमान है कि हमें पता ही नहीं अंदर लिखा क्या हुआ है? ये कौन सा ईमान है जो अतात के बगैर है, जो सारी जिंदगी मेरा, ये कौन सा ईमान था? मैं अपने आप को धोखा दे रही थी, मुझे समझ नहीं आई। जब मुझे तो अब समझ आ रही कि ईमान तब है जब अतात है। हम बेवकूफ बने हुए हैं कि हम ईमान में हैं। ईमान तो तब होगा ना जब अल्लाह को हम दिखाएंगे कि हम अमल करते हैं। अल्लाह, ये तेरे ऑर्डर्स हैं, अल्लाह ये सब तेरी आयात है, और हम इस पे ईमान लाए, मतलब हम ईमान लाए और अब हम करके दिखाएंगे। और जब ओए करके दिखाएंगे तो क्या होगा? वो एक ऐसी आयत है जिसने अभी मेरी जिंदगी बदली है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वो मेरी समझ ले वन ऑफ द फेवरेट आयत है, आयत्स में से है। वो है सूरह अनफाल आयत नंबर 29। माशाल्लाह, सर, आपने बताए इसकी ना अरबी पढ़े? आप इसकी अरबी पढ़े? जी जरूर मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी सबको। जरूर। ये सूरह अनफाल 8 नंबर सूरह है और उसकी 29 29 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, क्या आप सब ईमान लाए इन हैं? तत्व। अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगी। ओके सर, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई वांट कि लोग फील करें, सब लोग जो देख रहे हैं उनको कोई श्योर, फायदा हो इस सेशन से। लेट्स डू इट। या अय्युहल लदीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, यानी आप मैं और हम सब, जी इन तत्तकुल्लाह, अल्लाह से तक्वा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरकान, अल्लाह तुम्हें फुरकान अता करेगा। फुरकान वाह मतलब वाह वाह, अपना क्राइटेरिया, राइट और रॉन्ग का। अल्लाह हमें अता करेगा, हमें बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। कब? जब हम तक्वा करेंगे। फिर क्या होगा? वयुकफिर अनकुम सय्यातिकुम, हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, वयग्फिर लकुम, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वल्लाहु दुल फजल अजीम। और यही अल्लाह का फजल है। हम पता नहीं क्या फजल समझ के बैठे हुए हैं। हमें लग रहा है हमारे पास गाड़ी है, माल दौलत है, ये बजी अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अल्लाह का फजल करम तो मुझे अब समझ आया, अल्लाह का फजल करम तब है जब हमसे हमारी बुराइयां दूर होंगी। अल्लाह ओए हमें होए वॉच होए, देगा तो बुराइयां कब दूर होंगी? ये रमजान इसीलिए तो है कि हम तकवा करें, ताकि हमसे हमारी बुराइयां, हमारा डिप्रेशन, बेचैनी, हमारी बुरी आदत जो हमारे अंदर है, हमारी बुरी सोच, ये फजूल ट्रेडिशंस जिसमें हम सब लोग फंस गए हैं, ये ओवर थिंकिंग, ये सारे हालात, ये सब चेंज हो जाएं। कब? जब हम वाह तकवा करेंगे। हमें पता होगा हमें अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे हमारा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह क्या करेगा? हमें अपना क्राइटेरिया बताएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, अपना राइट एंड रॉन्ग बताएगा। हम खुद से समझ के बैठे हुए कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं, नहीं पता तो कर लें, कंफर्म तो कर लें कि अल्लाह वाकई हमसे खुश हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सनम, हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जी सर, ये जो बातें आप अभी बता रही हैं, जी अगर ये आपकी जिंदगी में हो ना रहा होता तो क्या आप बोल सकती थी ये बातें? बिल्कुल भी नहीं, वरना बिल्कुल आप भी पहले नहीं। भी तो बोल रही होती। और मेरा ईमान ही इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि जब मैं आयत देखती हूँ और मुझे पता लगता है ये तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझसे मेरी बुराइयां, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बुराइयां जो बहुत बड़ी हैं, बैठे बिठाए वाह हमारी वाह गीबत तो औरतों की सर नजम आम बात है,
बैठे बिठाए कर देते हैं हम, और हमें आइडिया भी नहीं, हम इतने फंस चुके हुए हैं, किसी दूसरों को हमें डिस्कस करने की आदत बन चुकी है हमारी। अल्लाह रसूल तो बहुत दूर की बात है, वो तभी आते हैं कि रमजान आ गया तो चलो अल्लाह रसूल डिस्कस कर ले, बाकी तो फिर गीबत है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरे शोहर ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी नंद ने ये कर दिया, उफ, मैं तो खुद निकल आई हूँ इन बुराइयों से, ये देखा देखी मेरे अंदर भी आ चुकी थी, मुझे अब समझ आई ये सब दूर होने सुभान लग गया। फिर हम गुमान करते हैं, किसी के भी बारे में राय कर लेते हैं, कोई भी आके हमें कुछ भी बता जाए हम यकीन कर लेते हैं, ना हमें सच का पता होता है ना झूठ का पता होता है, फिर हम गुस्सा करते हैं, ये कौन से मुसलमान है हम कि जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सेफ ही नहीं है, हम तो हर चीज को वायलेट कर रहे हैं, हर हदीस को, हर अहकाम को, हमने पिक एंड चूज लगाई हुई है, हमने रमजान में रोजे रखना तो चूज कर लिए, लेकिन जो बाकी अहकाम है अल्लाह ताला कह रहे हैं ये ना करो, अल्लाह कह रहे हैं गीबत ना करो, गुमान ना करो, गुस्सा पी जाओ, लोगों को माफ कर दो, क्यों नहीं हम इन चीजों से बाज आ रहे, हम क्योंकि हम पिक एंड चूज कर रहे, रोजे रखेंगे क्योंकि वो हमें इजी लग रहा है, तो बाकी क्यों नहीं, बाकी ऑर्डर्स क्यों नहीं, बाकी बाकी ऑर्डर्स पे तकवा कहाँ है हमारा, तो मुझे इस चीज की प्रॉब्लम थी एंड आई सो वांटेड टू डिस्कस, क्योंकि मुझे अब जाके समझ आई कि मैं भी ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन अब क्या करना है, अब रास्ता बहुत क्लियर है एंड एक अल्हम्दुलिल्लाह चीज इतने सारे लोग सीखना चाहते हैं। जी मैं सारे सुनने वालों से ये कहना चाहता हूं कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब कुरान पढ़ा जाए, चाहे वो किसी की जुबान से भी अल्लाह पढ़वा रहा हो, सनम सिस्टर सनम की जुबान से, या किसी भी बहन किसी भी भाई की जुबान से, तो फस्तबीउ लहू, उसे गौर से सुनो, वह अनसितु, और अपनी जुबान अपनी सोच सबको खामोश कर लो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो जाए। सो रहम के आगे जब ते लग जाती है तो रहमत हो जाती है, और रमजान का पूरा अशरा रहमत है। सो ये मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूं सबसे कि ये जो बात आपको बताई जा रही है, इसको सिर्फ एंजॉय नहीं करना, इससे सिर्फ इंस्पायर नहीं होना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमजान एहतसाब का महीना है। ये जो सनम अपनी फीलिंग्स बता रही है, इससे हम सबको मौका मिल रहा है कि हम जरा अपना एहतसाब करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें कि यार क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसा कर रही हूं, क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसा करना शुरू कर दिया है, और अगर नहीं किया तो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे, जब हम ये सुन रहे हैं तो अभी से इरादा कर लें, अभी से नियत कर लें कि अभी से शुरू करेंगे। और ये सनम, मेरा ख्याल है कि हमें रमजान में, जी चूंकि आपका पहला रमजान है ये कुरान के साथ, हिदायत के साथ, फुरकान के साथ, उफ तो जी आपका आपकी तरफ ये हक बनता है कि आप एक्सप्लोड हो जाएं इस रमजान में, और जितना ज्यादा अपने ईमान को आप रिचार्ज करें, और लोगों के ईमान को रिफ्रेश, अपने आप को रिफ्रेश करें, लोगों के को रिचार्ज करें। और मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे हम एक रमजान ट्रांसमिशन भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, वाह एक घंटा 4 to 5, 30 days, 4 से 5, 1 घंटा हम पीटीवी न्यूज पर होंगे, और मेरी कोशिश सर, होगी कि आप रेगुलरली हमारे साथ जूम के जरिए हो ये मेरे लिए सर। इतनी बड़ी आसानी है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे ना मेरे लिए घर बहुत बैठ के आसान होने आप, वाला है, मैं घर बैठ है के ना? इस तरह से आ सकती हूँ, बेबी छोटा है एंड ये कि मेरे अंदर भी ऐसे आता है कि मैं सब तक जो मैं सीख रही हूँ एटलीस्ट वो ही मैं बता दूँ, शेयर कर लूँ कि मैंने ये सीखा और मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइफ में और फर्क आ रहा है। एंड ऑन एंड ऑफ हम रमजान में इंस्टाग्राम भी लाइव करते रहेंगे, ताकि लोगों को एक कंटिन्यूटी मिलती रहे, उनके सवालात के जवाबात मिलते रहे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल इंशाल्लाह, तो आज बस मुझे यही सब शेयर करना था कि एक्चुअली हमने अब रमजान में करना क्या है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है ऐसा कि हमारी टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, इसमें अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं और हम वो समझें, रिलेट करके अमल करके दिखाएं और वो टू वे कम्युनिकेशन बना के कायम करके दिखाएं, तो बस मेरा मकसद आज यही वाह, था, और थैंक यू सो मच नजम भाई, आप आए, आपने मेरा साथ दिया वेरी और इंशाल्लाह आगे थर्टी वेल, डेज तक हम रखेंगे। ऑलवेज देयर इंशाल्लाह। मे अल्लाह बी विद यू, मे अल्लाह जी ब्लेस
grant everyone who's part of this transmission an opportunity to जी improve बस their मैं life. देखना चाह रही हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है। बहुत सारे आए थे मेरे ख्याल के लिए. अच्छा चले मैं मैसेज में या आगे 30 डेज हम हैं ही, हम सब एक-एक क्वेश्चन को नेक्स्ट आंसर करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम सबके इंशाल्लाह सवाल ले लेंगे, क्या ख्याल है? राइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल राइट ओके नजम भाई अपना ओके, ख्याल अस्सलाम रखें, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम. Are you sure that you want to?